महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एकनाथ शिंदे गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई रोकने की मांग की है। आज होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश सालवे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी और मनिंदर सिंह हो सकते हैं पेश। आज दोपहर 12 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच करेगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत रखेंगे अपनी दलील। महाराष्ट्र का महासंग्राम जारी। एकनाथ शिंदे समेत बागी मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। वहीं शिंदे गुट अभी भी गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। शिवसेना के बागी विधायकों को आज देना है नोटिस का जवाब। डिप्टी स्पीकर ने 25 जून को जारी किया था नोटिस। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी 16 विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब देना है। शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की कानूनी लड़ाई। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा 16 बागी अयोग्य करार दिए जाएंगे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते। शिवसेना को एक और बड़ा झटका। मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल। अब कुल 9 मंत्री शिंदे कैंप में हैं। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा 20 मई को उद्धव ठाकरे ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मी जेव्हा डॅम असतो होतो तेव्हा मुख्यमंत्री दुसऱ्यांनी त्यांना वर्ष बंगल बोलून घेतो आणि हे देखील सांगितलं की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचे ह्या घ्या चाव्या तुम्ही आज बनवा। आदित्य ठाकरे ने सांताक्रूज के वकोला में शिवसैनिकों को किया संबोधित। कहा हम आंकड़ों में सत्ता में नहीं लेकिन लोगों के दिलों में हम ही सत्ता। जर बघितलं तर नुसतं आकड्यांमध्ये सत्ता नाही तर प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकांमध्ये त्याच्या मनामध्ये हृदयामध्ये आपण सत्ताधारीच आहोत ही भूमिका आपल्याला आता घ्यायची आहे। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चेतावनी। कहा इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाए बागी, मैं इन सबको हराए बिना नहीं रुकूंगा। महाराष्ट्र संकट पर सोनिया गांधी ने कल उद्धव ठाकरे से बात की। सोनिया ने कहा आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की बातचीत की पुष्टि। हमारी नेता सोनिया जी ने भी भूमिका स्पष्ट की कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना। कहा नशे में है बागी विधायक, शिव सैनिक पीठ में चूरा नहीं घोपते। पागल लोग जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरण से गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। बागी शिवसेना विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर बोले पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं। शिवसेना के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है। महाराष्ट्र के महासंग्राम में केंद्र सरकार की एंट्री। शिवसेना के बागी 16 विधायकों को दी सुरक्षा, उनके घरों पर CRPF की तैनाती की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने DGP और मुंबई पुलिस कमिश्नर से बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा है। बागियों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है सुरक्षा। राज्यपाल को जवाब देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने तैयार की चिट्ठी। कहा बागी विधायकों को शनिवार से ही दे दी गई है सुरक्षा। आज राज्यपाल को चिट्ठी सौंपेगी महाराष्ट्र पुलिस।
मुंबई में शिवसैनिकों ने निकाली बाइक रैली, शिंदे गुट के खिलाफ किया प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे के प्रति दिखाई एकजुटता। बागी विधायक दीपक केसरकर के दफ्तर में शिवसैनिकों ने की तोड़फोड़ की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। शिवसैनिकों ने पुणे में भी किया प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर लगाई कालिक। ठाणे में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे, उद्धव के समर्थन में लगे पोस्टर पर पोती कालिक। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच देवेंद्र फडणवीस के घर देर रात हुई बीजेपी नेताओं की बैठक, फडणवीस रोज बीजेपी नेताओं के साथ राजनीतिक उठापटक पर कर रही हैं चर्चा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे सरकार को खतरे में बताया, एबीपी न्यूज से बोले, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे से विधायक निकल गए लेकिन उन्हें खबर तक नहीं लगी, ये कैसे संभव है? इसकी समीक्षा शिवसेना लेके वो निकल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप में इसका रिव्यू होना चाहिए, इसका निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 30 जून तक बढ़ाई गई शिवसेना के बागी विधायकों की बुकिंग, कल तक के लिए ही बुक था पहले होटल। यूपी के आजमगढ़ में खिला कमल, लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को दी मात। आजमगढ़ उपचुनाव जीत को दिनेश लाल निरहुआ ने लोगों के भरोसे की जीत बताया, कहा मैं अभी आजमगढ़ का सांसद हूं, आरएमगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे फैसला लेंगे वैसा आगे फिर होगा। आप बात करेंगे इस बारे में उनसे? बिल्कुल बात करेंगे। आजमगढ़ ने कमल खिलाया है उम्मीद में, प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। आजम खां के गढ़ में बीजेपी की सेंध, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी प्रत्याशी असीम रजा को बड़े अंतर से हराया। रामपुर उपचुनाव में हार पर बोले आजम खान, लोकतंत्र पर थोकतंत्र भारी पड़ा, हमारी जीत को हार में बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा डबल इंजन सरकार को मिला जनता का समर्थन। यूपी लोकसभा उपचुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता ने आशीर्वाद दिया, ये जीत 2024 के लिए संदेश है। यूपी लोकसभा उपचुनाव में हार पर बोलने से अखिलेश यादव का इनकार, कहा मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना कुव्वत, मुसलमान अपना वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर बर्बाद करने के बजाय खुद की सियासी पहचान बनाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, संगरूर लोकसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान जीते, आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह दूसरे नंबर पर रहे, सीएम भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी संगरूर सीट। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोटों से दर्ज की जीत। राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव जीते, टाउन बारदोवाली से किस्मत आजमा रहे साहा को सीएम बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी था, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित, बोले आज दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे से देख रही है, पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी किया जिक्र। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी में वृंदावन के दौरे पर जाएंगे, कृष्ण कुटीर में रहने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम। पंजाब में भगवंत मान सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश होगा। पंजाब सरकार ने 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से मांगे थे सुझाव। 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। असम बोर्ड 12वीं परीक्षा के परिणाम होंगे घोषित। 12वीं के तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के रिजल्ट एक साथ आज जारी किए जाएंगे। सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट। अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, अग्निवीर अपनी शादी के लिए भी तरस जाएंगे। योजना पर पुनर्विचार करे सरकार। बाढ़ प्रभावित असम के कई इलाकों में अब पानी घटने लगा है। कई दिनों से मुसीबत झेल रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। वहीं असम के कई इलाकों में बाढ़ से अब भी बुरे हालात। प्रभावित गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की गला दबाकर हत्या। पत्नी का पति के ही कजन से चल रहा था प्रेम संबंध। पति को रास्ते से हटाने के लिए दिया घटना को अंजाम। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।